दुनिया भर के देशों में अलग अलग तरह के अपराध के लिए सजा के प्रावधान हैं, जिनमें फांसी या मृत्यु दंड भी शामिल है। भारत समेत दुनिया के 58 देश ऐसे हैं जहां मौत की सजा के लिए दोषी को फांसी दी जाती है। वहीं दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां ऐसी डेथ पेनल्टी दी जाती है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। कहीं क्रिमिनल्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मृत्यु दंड दिया जाता है, तो कहीं अपराधी का सिर कलम कर दिया जाता है। ऐसे भी कई देश हैं जहां नाइट्रोजन गैस के इस्तेमाल से डेथ पेनल्टी दी जाती है। आइए जानते हैं अलग अलग देशों में किस तरह मिलती है मौत की सजा। दुनिया के अलग अलग देशों में क्राइम के लिए अलग अलग तरह के सजा का प्रावधान है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 58 देश ऐसे हैं जहां मौत की सजा के लिए दोषी को फांसी दी जाती है। भारत में भी फांसी के जरिए ही मौत की सजा दी जाती है। हालांकि कई देश ऐसे भी हैं जहां मौत की सजा देने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक दुनिया के 73 देश ऐसे हैं जहां अपराधियों को गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। यमन, बहरेन, चिली, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अर्मेनिया जैसे देशों में गोली मारकर ही मौत की सजा दी जाती है, लेकिन अफगानिस्तान, सूडान समेत कुल 6 देशों में मौत की ऐसी सजा दी जाती है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। यहां दोषी को तब तक पत्थरों से मारा जाता है जब तक उसकी मौत न हो जाए। इसके अलावा चीन और फिलीपींस समेत दुनिया के 5 देशों में जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी जाती है। वहीं दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जहां अपराधी का सिर काटकर डेथ पेनल्टी दी जाती है। डेथ चेंबर या इलेक्ट्रिक कुर्सी किसी जमाने में पूरे अमेरिका में अपराधियों के बीच खौफ का पर्याय हुआ करता था। अभी भी अमेरिका के 4 राज्य अलबामा, फ्लोरिडा, केंटकी और टेनेसी में बिजली की कुर्सी का इस्तेमाल कर अपराधियों को मौत की सजा दी जाती है। चीन में अपराधियों को मारने के लिए डेथ वैगन का इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि ये डेथ वैन चीन के चारों ओर घूमती है और ये किसी भी वक्त हत्या को अंजाम दे सकती है। सामान्य पुलिस वैन की तरह दिखने वाली ये वैन एग्जीक्यूशन चैम्बर की तरह काम करती है और इसमें एक सीसीटीवी कैमरा और एक बिस्तर भी लगा होता है। 2021 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन में मौत की सजा जल्दी हो, इसके लिए इस वैन को अस्तित्व में लाया गया। इस वैन से अपराधियों को मारने के बाद उनके शरीर से आंखें, गुर्दे, फेफड़े और शरीर के सभी उपयोगी अंग काट लिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक रिसर्च में किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 97 देश ऐसे हैं जिन्होंने मौत की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।